this is our kit beacon flasher for different signals, signaling units. यहाँ पे हमने इस तरह का arrangement बनाया है जिसमें हम different units को long distance से signal के through किसी भी चीज के बारे में indication दे सकते हैं, like aviation signal हो गया या फिर mountains में ship के लिए हो गया. इन सब चीज़ों को हम signal दे सकते हैं. अलग अलग तरह के सिग्नल पैटर्न्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, उससे हम एक्नॉलेज कर सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है या फिर क्या चीज़ वो इंडिकेट कर रहा है. यहाँ पे हमने तीन डिफरेंट सिग्नल्स टाइप शो किए हैं. एक डिफ़ॉल्ट नो मोड है जिसमें आपका बल्ब ऑफ रहेगा. मोड वन एक सिग्नल टाइप को शो कर रहा है जिसको हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का इंडिकेशन मान सकते हैं. मोड टू दूसरे चीज़ का इंडिकेशन मान सकते हैं. मोड थ्री हम तीसरे चीज़ का इंडिकेशन मान सकते हैं. मोड्स को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं. यहाँ जो चार स्विचेस हैं, ये चार डिफरेंट स्विचेस एक नो मोड के लिए, बाकी तीन डिफरेंट मोड्स के लिए. इन डिफरेंट मोड्स में आपका बल्ब डिफरेंट तरह से ऑपरेट करेगा, जो एक डिफरेंट इंडिकेशंस होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स को शो कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को शो कर रहे हैं. डिफॉल्ट नो मोड में आपका बल्ब बंद है. आप मोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मोड वन. मोड वन में एक कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी से आपका बल्ब ऑन ऑफ होता रहेगा. एक पर्टिकुलर डिले के साथ आपका बल्ब ऑन ऑफ होता रहेगा. सिमिलरली आप मोड टू सिलेक्ट करते हैं. मोड टू सिलेक्ट करेंगे तो पहले बल्ब आपका स्लो इंटेंसिटी से ग्लो करेगा, फिर फास्ट इंटेंसिटी से ऑन ऑफ होगा. पहले आपका बल्ब फास्ट इंटेंसिटी से ऑन ऑफ होगा, उसके स्लो इंटेंसिटी से ऑन ऑफ होगा. सिमिलरली आप मोड थ्री सिलेक्ट करेंगे. मोड थ्री में आपका बल्ब पहले स्लोली ऑन ऑफ होगा, फिर धीरे धीरे ऑन ऑफ की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी. आप देख सकते हैं बढ़ गई है. फिर से आपका स्लोली ऑन ऑफ होगा, उसके बाद ऑन ऑफ की इंटेंसिटी आपकी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, जो एक डिफरेंट इंडिकेशंस को शो कर रहा है. इस बटन को आप प्रेस कर देंगे तो आपका नो मोड सिलेक्ट हो जाएगा और आपका इंडिकेशन बंद रहेगा. अब हम देखेंगे इस किट की हमें वायरिंग कैसे करनी है. इस किट में हमारे पास दो बोर्ड्स होंगे. ये हमारा मेन कंट्रोलर बोर्ड है और ये हमारा ड्राइविंग बोर्ड है. इन दोनों के बीच में हमें कुछ कनेक्शंस करने हैं. कंट्रोलर की पिन नंबर 15 और पिन नंबर 16 से आप एक टू पिन कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे इस बोर्ड से यहाँ पे जोड़ देंगे. टू पिन कनेक्टर के थ्रू डीसी बल्ब में आप दो वायर शोल्डर करके, एक बैक साइड में और एक यहाँ पे फ्रंट में शोल्डर करके, यहाँ पे टू टर्मिनल में आप इसको कनेक्ट कर देंगे. यहाँ के टू पिन टर्मिनल कनेक्टर से सेम वायर को सेम वायर से आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. सेम वायर को सेम वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे. इसको कनेक्ट करने के बाद आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में ले जाइए. इस प्रोब को आप यहां पे कॉमन करेंगे और आईसी की स्पिन को आप टच करके अलार्म चेक करेंगे. अगर अलार्म आपका बज रहा है तो प्रॉपर कनेक्शन है. अगर आपका अलार्म नहीं इंडिकेट हो रहा है तो यहाँ से जो आपने कनेक्शंस किए हैं इनके वायर को आप एक्सचेंज कर देंगे. नेक्स्ट आपकी किट में 12012 का ट्रांसफार्मर है जो टू टर्मिनल इनपुट और थ्री टर्मिनल का आउटपुट होता है. टू टर्मिनल में आप टू पेयर्स ऑफ वायर जोड़ लेंगे जिसको आप 230 वोल्ट एसी में प्लग कर सकते हैं. अभी प्लग नहीं करेंगे, आप फाइनल रनिंग के समय इसको प्लग कर सकते हैं. थ्री टर्मिनल आउटपुट वायर में से मिडिल वायर और साइड के किसी वायर को लेके आप इस जैक के थ्रू इसको पावर जैक में लगा देंगे. नेक्स्ट 7805 आईसी है जो थ्री टर्मिनल की आपकी आईसी होती है, इसको आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे. मेन बोर्ड में आप इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे. सिमिलरली 7805 आईसी आपकी जो सेकेंड आईसी है, आप इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे. ओरिएंटेशन का ध्यान रखेंगे. जो 7805 जिधर लिखा हुआ है वो फेस इधर इसमें इस बोर्ड में कैपेसिटर की तरफ होना चाहिए. सिमिलरली इस वाले बोर्ड में 7805 जिधर लिखा हुआ है वो आपका इस
टर्मिनल कनेक्टर की तरफ होना चाहिए। इसके बाद आप स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करते ही एलईडी आपकी ग्लो करेगी, जो आपका शो कर रही है कि पावर सप्लाई आ रही है। आप चाहें तो मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं। मल्टीमीटर से टेस्ट करने के लिए आप मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज में ले जाएंगे। ब्लैक प्रोब को आप 7805 में कॉमन करिए। पिन नंबर 3 आपको 7805 की टेस्ट करनी है। ये 5 वोल्ट होनी चाहिए, आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहा है। सिमिलरली सेकेंड 7805 की भी आप पिन नंबर 3 को चेक करेंगे, ये 5 वोल्ट होना चाहिए। ये आपका 5 वोल्ट आ रहा है। एलसीडी की पिन नंबर 2 आप चेक करेंगे, ये भी 5 वोल्ट होना चाहिए। एलसीडी की पिन नंबर 15 जो स्ट्रिप यहाँ पे लगी है, यहाँ पे एलसीडी माउंट होगी, ये भी आपके 5 वोल्ट होनी चाहिए। 28 पिन आईसी बेस के पिन नंबर 7 आपकी 5 वोल्ट होनी चाहिए। सिमिलरली पिन नंबर 20 भी 5 वोल्ट होनी चाहिए। ये वोल्टेज पॉइंट्स आपने टेस्ट कर लिए, तो आप स्विच को यहां से ऑफ कर देंगे। उसके बाद 28 पिन की आपकी माइक्रो कंट्रोलर आईसी है ATMEGA 168, इसको यहां पे आपको इस बेस में माउंट करना है। सिक्सटीन पिन L293D आईसी, इसको आपको ड्राइवर बोर्ड में माउंट करना है। आईसी माउंट करने पे आप ओरिएंटेशन का ध्यान रखेंगे, जो कट मार्क आईसी पे है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। सिमिलरली जो सेकंड कट मार्क है, जो सेकंड आईसी आपने माउंट किया उसका जो कट मार्क है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट आपको एलसीडी माउंट करनी है, 16x2 की ब्लैक एंड व्हाइट एलसीडी, जिसमें आप 16 बिट का बज स्ट्रिप शोल्डर कर लेंगे। उसके बाद इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन में आप इसको यहाँ पे माउंट कर देंगे, 16 बिट का इस स्ट्रिप में माउंट कर देंगे। ओरिएंटेशन का ध्यान रखिएगा, ये अंदर की तरफ होनी चाहिए एलसीडी। ये सारे कनेक्शंस करने के बाद आप स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करने पे आपका डिफॉल्ट सिग्नलिंग यूनिट नो मोड एलसीडी पर डिस्प्ले होना चाहिए। अगर नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो आप स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को रोटेट कराएंगे ताकि आपका डिस्प्ले प्रॉपरली आ जाए। इन सारी वायरिंग कनेक्शंस और आईसी रिप्लेसमेंट के बाद आपको जिस तरह से रनिंग में बताया गया है, आप इस प्रोजेक्ट को रन करा सकते हैं। अब हम देखेंगे इस किट को हमें रन कैसे कराना है। इस किट को रन कराने के लिए आपके किट में 12012 का ट्रांसफार्मर है, जो 2 टर्मिनल इनपुट और 3 टर्मिनल का आउटपुट होता है। 2 टर्मिनल को आप 230 वोल्ट एसी में डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और 3 टर्मिनल आउटपुट में से मिडिल वायर और किसी भी साइड के वायर को लेकर आप जैक के थ्रू इस पावर जैक में कनेक्ट कर देंगे। पावर जैक में कनेक्ट करने के बाद यहां से आप स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करते ही आपके डिस्प्ले पे इस तरह से सिग्नलिंग यूनिट नो मोड लिख के आ जाएगा। इन केस अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस को यहां से रोटेट करा के डिस्प्ले को इनेबल कर सकते हैं। नो मोड में आपका बल्ब डिफॉल्ट बंद रहेगा। डिफरेंट टाइप मोड्स को सिलेक्ट करने के लिए ये मोड 1 मोड 2 मोड 3 और मोड 4 को सिलेक्ट करने के लिए मोड 1 में आपका बल्ब डिफरेंट पैटर्न में इंडिकेट करेगा, मोड 2 में आपका बल्ब डिफरेंट पैटर्न में इंडिकेट करेगा, मोड 3 में डिफरेंट पैटर्न में इंडिकेट करेगा और नो मोड में आपका बल्ब ऑफ रहेगा। जो भी इंडिकेशन यूनिट है वो आपकी ऑफ रहेगी। यहाँ से फिर आपको बटन्स को प्रेस करना है अलग अलग मोड्स में चलाने के लिए, और एलसीडी पे जो भी मोड आपका होगा डिफॉल्ट वो आपका शो करेगा। लाइक पहला बटन हमने प्रेस किया तो मोड 1 हो गया। मोड 1 में आपका बल्ब एक कॉन्स्टेंट डिले के साथ ऑन ऑफ हो रहा है। मोड 2 आप सिलेक्ट करेंगे तो ये बल्ब का इंडिकेशन टाइप चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आप मोड 3 सिलेक्ट करेंगे तो बल्ब का इंडिकेशन टाइप चेंज हो जाएगा जो भी आपका सोर्स है, और नो मोड बटन से आप इसको क्लोज कर सकते हैं।